एक गांव में एक बड़े से पेड़ में एक शैतान रहती थी। उस पेड़ के नीचे खड़े होकर कार्तिक नाम का एक इंसान पानी पूरी बेचता था। ज्यादातर लड़कियां उसी के पास आती थी पानी पूरी खाने के लिए। खाने के बाद पैसे देकर वो चले जाते थे। शैतान ये सब हर रोज देखती थी। क्यों ये लड़कियां इस इंसान के पास आती है हमेशा? ये चीज क्या है जो वो रोज खाते है? इसका स्वाद कैसा है? मुझे भी इसे खाना है। ये सोचकर शैतान ने एक पानी पूरी चुपके से खाया और सोचा, अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। शायद यही वजह है कि लड़कियां रोज इसके पास आती है। फिर वो शैतान बिना बता के उस इंसान के पास रोज आती थी पानी पूरी खाने के लिए। एक दिन वो इंसान उस पेड़ के नीचे आया दोपहर के वक्त और कुछ मिलाने लगा। वो देखकर शैतान सोची, ये क्या, ये इंसान आज इतनी जल्दी क्यों आया और वो कर क्या रहा है वहाँ? शैतान ध्यान से पानी पूरी वाले को देखने लगी। बदमाश कहीं का, पानी पूरी के साथ ये साफ पानी भी नहीं दे रहा है। उसके ऊपर अपने गंदे हाथों से ये काम कर रहा है और सस्ते मसाले मिला रहा है। इसे खाने के बाद लोगों की सेहत का क्या होगा? इस बीच एक महिला वहाँ आई और पूछी, भैया मुझे एक प्लेट पानी पूरी देना। तुरंत वो शैतान कार्तिक के शरीर में घुस गई और बोली, कोई पानी पूरी नहीं है यहाँ, इस जगह को छोड़कर चली जाओ चुपचाप। अपने आप को देखी हो, भैंस जैसी लगती हो, आई हो पानी पूरी खाने? तुम पागल जैसी लग रही हो इस कपड़े में। ये कहकर शैतान उसके शरीर से तुरंत निकल गई। क्या मैडम, आप इतने गुस्से से मुझे क्यों देख रही है? महिला जो काफी गुस्से में थी वो बोली, क्या अभी तक तुम उल्टी सीधी बातें कर रहे थे मुझसे और अभी ऐसी बातें कर रहे हो कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं? ये कहकर उसने उसकी खूब पिटाई की और वहाँ से चली गई। अरे मैंने किया क्या, हे भगवान, बहुत दर्द हो रहा है। इस बीच एक बुजुर्ग महिला वहाँ आई और बोली, यहाँ पर क्या मिलेगा? शैतान फिर से कार्तिक के शरीर में घुस गई और बोली, बुढ़ी औरत, इस उम्र में तुम्हें पानी पूरी चाहिए? यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, जाओ यहाँ से। क्या तुम मुझे बुढ़ी औरत कह रहे हो? तुम खुद बुढ़े आदमी हो। ये कहकर उसने उसे बहुत डांटा और वहाँ से चली गई। इसी तरह शैतान हर किसी के साथ ऐसा ही व्यवहार कर रही थी जो भी वहाँ आ रहा था। क्या हुआ, क्यों ये सारे लोग आज ऐसे बर्ताव कर रहे हैं मेरे साथ? इस बीच शैतान वहाँ आई और बोली, ये सब कुछ मैंने किया है। तुमने जो किया था उससे पहले मैंने वो सब देख लिया था, इसीलिए मैंने ये सब किया। मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया, अगर ऐसा नहीं किया तो मुझे मुनाफा नहीं होगा। क्या तुम अपने मुनाफे के लिए लोगों की जान ले लोगे? मैं तुम्हें आखिरी बार के लिए बोल रही हूँ, अगर तुम फिर से ऐसा किए तो तुम्हें मैं मार दूंगी। नहीं नहीं, अब ऐसा नहीं करूँगा, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगा। अच्छी बात है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, इसी पेड़ में रहूंगी। अगर तुमने फिर से ऐसी गलती की तो वो दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा। इस बात से कार्तिक काफी डर गया और उसके बाद से शैतान जो कहती थी वो वही करता था। इस तरह शैतान ने उसे सबक सिखा दिया। एक बार की बात है, कृष्णापुर गांव में एक किसान राम रहता था। वो अपनी जमीन पर खेती करता था और अपना जीवन पूरा कर रहा था। राम के पास एक अच्छी सी भैंस थी। उसने अपने परिवार के सदस्य की तरह उस भैंस की देखभाल की। वो भैंस दूध देती थी और राम को अपने परिवार का पेट पालने में मदद करती थी। उस भैंस का दूध स्वादिष्ट भी बहुत था। राम उस भैंस को ताजी हरी घास और भूसी खिलाता था। एक दिन उस भैंस ने राम से कहा, राम, तुम मुझे बहुत पसंद करते हो ना, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो, मैं तुम्हारा एहसान कैसे उतारूंगी? तुम भी तो अच्छा दूध दे रही हो और हमें इतना स्वस्थ बना रही हो। तुम्हारा दूध पीने से मेरे बच्चे इतने मजबूत हैं। इसके अलावा मैं तुम्हारा दूध बेचकर इतना पैसा कमाता हूँ, सब कुछ तुम्हारी वजह से है। एक छोटी सी शैतान उस रास्ते से जा रही थी और उसने उनकी बातचीत सुनी। ओह, क्या ये भैंस इतना स्वादिष्ट दूध देती है? फिर मुझे उस दूध को एक बार पीना चाहिए। ये सोचकर उस समय तो वो शैतान वहाँ से चली गई। अगले दिन शैतान राम के भेस में दिखाई दी और उस भैंस का सारा दूध पी गई। यम्मी, इस भैंस का दूध तो बहुत स्वादिष्ट है। मैंने इतना स्वादिष्ट दूध कभी नहीं पिया, मैं कल फिर से आऊंगी। और फिर वो गायब हो गई। उस भैंस ने सोचा कि राम ने पहले ही दूध ले लिया है और उसके बछड़े को बुलाया। आओ मेरे बछड़े, कुछ दूध लो,
तुमको इतनी भूख लगी है ना? तुरंत भैंस का बछड़ा दूध पीने चला आया, लेकिन बछड़ा नहीं पी पा रहा था क्योंकि दूध बचा ही नहीं था। फिर बच्चे ने माँ से कहा, बहुत भूख लग रही है, दूध तो है ही नहीं, राम को मुझसे कोई मतलब नहीं है, सारा दूध ले गया। उसने ऐसा कहा तो भैंस को गुस्सा आ गया। राम को गलत मत कहो, वो बहुत अच्छा इंसान है, आज कुछ रिश्तेदार हैं शायद आए, तो उसने शायद सारा दूध ले लिया, तुम आज घास खाओ और सो जाओ। तो बछड़ा बोला, ठीक है। इस बीच राम हमेशा की तरह दूध लेने के लिए आया। भैंस ने ये देखा तो सोचा, ये क्या है, राम तो फिर आ गया, लेकिन मेरे पास तो अब दूध ही नहीं है, कई रिश्तेदार उसके घर आए हैं शायद, जो थोड़ा बहुत होगा वो दूध लेगा। ये सोचकर राम से बिना कुछ कहे भैंस चुपचाप खड़ी रही। फिर राम ने भैंस का दूध दुहना शुरू किया, लेकिन उसे दूध नहीं मिला। ये क्या है, आज कोई दूध नहीं बचा है, क्या तुमने सारा दूध अपने बछड़े को दे दिया? राम, तुमने कुछ देर पहले ही तो सारा दूध ले लिया ना। मैंने कब दुहा, अभी अभी तो खेत से लौटा हूँ। ये सुनकर भैंस को समझ नहीं आया कि क्या कहे। राम गुस्से में वहाँ से चला गया। तब भैंस ने अपने बछड़े से कहा, अभी थोड़ी देर पहले राम ने मुझसे दूध दुहा था, फिर वो ये क्यों कह रहा है कि वो अभी खेत से आया है? वो छोटी शैतान अगले दिन राम के भेस में फिर आई और सारा दूध पी गई। भैंस ने सोचा ये राम है और सारा दूध दे भी दिया। उस शैतान ने खुशी खुशी सारा दूध पिया और गायब हो गई। हमेशा की तरह राम भैंस का दूध दुहने फिर से आया, लेकिन पिछले दिन की तरह इस दिन भी दूध की एक बूंद भी नहीं बची थी। राम को आ गया गुस्सा और उसने भैंस को एक छड़ी से मार दिया, फिर उस भैंस को डांटा और वहां से चला गया। अगले दिन राम ने सोचा, ये भैंस अपने बछड़े को सारा दूध पिला दे रही है। ये सोचकर राम ने उस भैंस के बछड़े को कुछ दूरी पर बांध दिया और खेत में चला गया। अगले दिन शैतान फिर आई, सारा दूध पीकर चली गई। जैसे ही राम घर लौटा वो भैंस का दूध दुहने के लिए गया, लेकिन दूध आज भी नहीं बचा था। क्या हो रहा है, इस भैंस का बछड़ा वहीं बंधा है, फिर दूध कहाँ गया? तुम मेरे पास आए थे ना और दूध दुह कर गए थे। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है, अभी अभी तो खेत से लौटा हूँ। भैंस भी नहीं समझ पा रही थी कि हो क्या रहा है, लेकिन राम को संदेह हुआ कि कुछ तो गलत हो रहा है और इसे सही करने के लिए सोचने लगा। अगले दिन राम ने कहा कि वो खेत पर जा रहा है, लेकिन वो चुपके से दीवार के पास बैठ गया और उस भैंस को देखने लगा। थोड़ी देर बाद राम ने शैतान को देखा। ओह, तो ये शैतान हर दिन मेरी भैंस का सारा दूध पी जाती है। राम को गुस्सा आ गया और उसने स्टोव से जलती हुई लकड़ी उठा ली, फिर वो चुपचाप गया और उस शैतान के बालों में आग लगा दी। ओ नहीं नहीं, आग, आग, आग। इस तरह शैतान ने चिल्लाना शुरू किया और राख में बदल गई। मैंने तुम्हें डांटा था ना और तुम्हें मारा भी था, हालांकि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। राम, ये आपकी गलती नहीं है, उस शैतान ने सब कुछ किया। इस घटना के बाद राम और उसकी भैंस का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। हर कहानी की एक शुरुआत होती है और एक समाप्ति, लेकिन सभी कहानियों की समाप्ति सुखद नहीं होती और कुछ कहानियां अचानक बीच में ही खत्म हो जाती हैं। राधा और मधु की प्रेम कहानी एक ऐसी ही कहानी है। राधा और मधु बचपन से ही एक दूसरे से प्यार करते थे। समय के साथ साथ उनका प्यार और भी मजबूत होता गया। एक दिन वे पार्क में मिलने वाले थे। मधु राधा का इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद राधा आई। मधु, कब से बैठे हो, कब से इंतजार कर रहे हो? बहुत लंबे समय से, हालांकि हर पल जो मैंने अपनी प्रेमिका के इंतजार में गुजारा वो बहुत प्यारा है। ये खुशी केवल उन्हीं को महसूस होती है जिन्हें प्यार होता है। अच्छा, तो क्या तुम इतने दिनों देर से इसलिए आ रहे थे कि मुझे भी इस खुशी का अनुभव हो सके? मधु मुस्कुरा दिया और बोला, भगवान का शुक्र है, कम से कम अब तुमने मुझे समझ लिया, थैंक्स डार्लिंग। उन दोनों ने उस पार्क में कुछ अच्छा समय बिताया और फिर वहां से चले गए।
राधा के पिता को इस मुलाकात और दोस्ती के बारे में पता चला तो उन्होंने राधा से पूछताछ की। राधा जैसे ही घर आई, राधा अब तक कहाँ थी तुम? मैं कॉलेज गई थी पिताजी। राधा का झूठ पकड़ा गया। पिता बेहद नाराज हो गए और क्या तुमको लगता है कि मुझे तुम्हारी हरकतों का पता नहीं है? अगर तुम एक बार और मधु से मिली तो मैं तुम दोनों को मारकर दफना दूंगा, समझी? राधा के पिताजी ने उसे घर के अंदर बंद कर दिया और बाहर चले गए। राधा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने सोचा कि कुछ दिनों के बाद उसके पिता का गुस्सा शांत हो जाएगा, लेकिन उनमें कोई बदलाव नहीं आया। मधु के बिना रहने में असमर्थ राधा ने एक दिन आत्महत्या कर ली। उसे लगा कि कोई और विकल्प नहीं रह गया था। जब वो एक अधूरी इच्छा के साथ मरी तो उसकी आत्मा भटकने लगी और उसी घर में रहने लगी। राधा का पिता समझ गया कि उसकी जान को खतरा है। उन्होंने वो घर बेच दिया और चले गए। कुछ दिनों के बाद उस घर को जिन्होंने खरीदा था वो दंपत्ति वहां आए। उनकी हाल ही में शादी हुई थी। ये घर बहुत सुंदर है और कितना हवादार भी। मैंने सोचा था कि तुम्हें हमारी शादी के बाद पहली बार एक बढ़िया सा उपहार दूं, इसीलिए मैंने कीमत के बारे में नहीं सोचा और इस खूबसूरत घर को खरीद लिया। मुझे खुशी है कि तुमको ये पसंद आया है। ये कहते हुए वे घर के अंदर के कमरे में गए। कमरे में एक दीवार पर राधा की फोटो लगी थी, जिसे देखकर पत्नी ने पूछा, सुनो ये लड़की कौन है? मुझे क्या पता, वो उस व्यक्ति की बेटी हो सकती है जिसने घर बेचा है। फिर वे घर में अंदर चले गए। उन्हें नहीं पता था कि उस घर में एक भटकती हुई आत्मा है। दंपत्ति ने रात का खाना खाया और सो गए। जब दोनों गहरी नींद में थे, पत्नी ने कुछ आवाजें सुनी। ये आवाज कैसी आ रही है? वो धीरे से उठकर बाहर आई। उसने राधा की तस्वीर से रोने की आवाज सुनी। वो डर से कांपने लगी और धीरे धीरे उस फोटो की तरफ चली। वो उस फोटो को बिना पलके छपकाए घूर रही थी। तभी पत्नी बुरी तरह घबरा गई। ये क्या है? मुझे बचाओ! उसके इस तरह चिल्लाने से पति उठ गया और वहां आकर पूछा, क्या हो गया? अरे क्या हो गया? इस घर में एक आत्मा है। उस आत्मा ने मुझे डराने की कोशिश की। हम इस घर को छोड़कर फौरन चले जाएंगे। नहीं रहना मुझे यहाँ। देखो, हम लंबी दूरी तय करके यहाँ पहुँचे हैं। हो सकता है थकावट की वजह से तुम्हें ऐसा लगा हो। कुछ दिन बाद सब ठीक हो जाएगा। आओ, हम फिर से सोएंगे। और पति उसकी सुने बगैर सोने चला गया। पत्नी घबरा गई थी, लेकिन पति के ऐसा कहने पर आगे कुछ नहीं कह सकी। अगले दिन सुबह जब वो उठा तो उसने अपनी पत्नी को अपने पास नहीं पाया। वो उठा और बाहर आया। पत्नी हॉल में लगातार राधा की फोटो को देखे जा रही थी। अगर इस तरह तस्वीर के सामने खड़ी होकर घूरती रहोगी तो बुरे विचार आएंगे ही। हटो वहां से। पत्नी ने तस्वीर की ओर इशारा किया। उसने उस तस्वीर को देखा तो एक बार को चौंक गया। उस तस्वीर पर कुछ लिखा हुआ था, मुझे प्यार, प्रेमी और जोड़ों से नफरत है। इस घर से तुरंत चले जाओ, नहीं तो अपनी जान से जाओगे। इस बार तो पति भी डर गया और उन दोनों की हालत खराब हो गई। देखिए, जब मैंने आपको बताया तो आपको भरोसा नहीं हुआ। अब क्या कहोगे, बोलो। ये बहुत अजीब है, लेकिन हमने इस घर को बहुत सारे पैसे खर्च करके खरीदा है। हम इस तरह अचानक नहीं छोड़ सकते। कुछ दिन यहाँ रहते हैं, अगर हालात फिर भी ऐसे ही रहे तो हम इस घर को किसी और को बेच देंगे और यहाँ से चले जाएंगे। तुम सावधान रहना। इतना कहकर पति वहां से चला गया। पति ने अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन पत्नी अभी भी डरी हुई थी। उसने आधी रात को पायल के बजने का शोर सुना। उसे पूरे घर में वो तस्वीर दिखाई दे रही थी। कुछ दिन ऐसे ही बीते। उनकी शादी की सालगिरह का दिन था। पत्नी ने घर को सुंदर तरीके से सजाया। उसका पति उपहार के रूप में एक अंगूठी लाया। जब वे बहुत करीब बैठकर बातें कर रहे थे तो उन्होंने घर में किसी को जोर से रोते हुए सुना। एक जलती हुई मोमबत्ती नीचे गिरी और पत्नी की साड़ी ने आग पकड़ ली। जब पति आग बुझाने की कोशिश कर रहा था, तस्वीर से फिर आवाज आई, किस तरह के इंसान हो,
एक बार में बात समझ नहीं आती, तुम इस घर को छोड़ोगे या मैं तुम दोनों को मार डालूं। उसी वक्त दंपत्ति ने अपनी सारी चीजें पैक की और उस घर से चले गए।